हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल अगेन सिंपली बायो बाय सर और आज आप सब के लिए एक स्पेशल न्यूज़ है स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द नीट एग्जाम तो टुडे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस ए न्यू सीरीज ऑफ वीडियो जिसको हम लोगों ने अभी नाम दिया है थर्टी एस तो वट इज दिस थर्टी एस तो so दिस 30 एस एम एस स्टैंड फॉर थर्टी सुपर एम सी क्यू सीरीज एस फॉर सुपर एम फॉर एम सी क्यूज एंड एस फॉर सीरीज तो दर्ज बी नो नीट एग्जामिनेशन टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें एम सी क्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वेरी इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं ओके okay? और बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आंसर एम सी क्यू नीट लेवल का है तो उसमें कुछ स्पेशल करना है बिल्कुल नहीं करना है नॉर्मल तरीके से हमें स्टडी करना है बट थोड़ा ध्यान देना है सो इन एवरी सेशन आई विल बी यू कैन सी प्रेजेंटिंग थर्टी एम उसको पूरा डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ ए पर्टिकुलर लेसन तो लेसन जो होगा इट विल बी डिवाइड इन टू पार्ट्स तो इन लेसन के जो वीडियो है स्टडी लेवल की वीडियो ऑलरेडी हैज़ बीन लोडेड इन द यू कैन सी माई चैनल तो आप प्ले लिस्ट में यू कैन सी जाके नेचुरल वीडियो को आप देख सकते हो उसके बाद में ही आप इन एम को आप फिर रेफर करना सो दैट यू कैन सी यू विल बी एबल टू कैन सी गेस द आंसर ऑल्सो वेरी करेक्टली और डूरिंग दिस सेशन इस पूरे सीरीज में नेचुरली आई विल बी टेलिंग यू सब इंपॉर्टेंट थिंग्स जो इंपोर्टेंट एस्पेक्ट है नीट एग्जामिनेशन के स्पेशली हाउ टू सॉल्व द एम सी क्यू इन द फास्टेस्ट पॉसिबल मैनर एंड विच आर द बेसिक थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द नीट प्रिपरेशन तो आज इंट्रोडक्शन हम लोग ले रहे हैं जिसमें आप सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि नीट एग्ज़ामिनेशन में बेसिकली हमें क्या करना है तो स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए फॉर थर्टी एस एम एस सीरीज़ द थर्टी सुपर एम सी क्यू सीरीज़ वन बाई वन यू कैंसी टॉपिक्स विल बी कवर्ड ओके तो फॉर एवरी सेशन इन एवरी सेशन थर्टी स्पेशलन जो न केवल उन टॉपिक्स का समराइजेशन करेगा बल्कि द नीट एस्पेक्ट्स को भी कवर करेगा तो चलिए तो, तो सबसे पहले देखते हैं कि नीट में जितने भी क्वेश्चन होते हैं एज वी नो बायोलॉजी में नीट एग्जामिनेशन में नाइन्टी क्वेश्चन आते हैं ओके इन नाइनटी क्वेश्चन में से तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन वो होते हैं जो ईजी होते हैं बेस्ड on so so जो क्वेश्चन के जो मल्टीपल ऑप्शन है फोर ऑप्शन है वही क्वेश्चन को ट्रिकी बना देते हैं या थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देते हैं फिर दूसरे हैं वो क्वेश्चन ऑन टू कंसेप्ट यानी कि इन क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करने के लिए आपको दो या दो से ज़्यादा टॉपिक्स या कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है एंड इस अंडरस्टैंडिंग स्किल बेस्ड तो ये मॉडर्न टाइप के क्वेश्चन है एंड देर विल बी सम क्वेश्चन विच विल बेस्ड ऑन मोर देन टू कॉन्सेप्ट इसी को हम लोग डिफिकल्ट लेवल्स या हॉट लेवल के क्वेश्चन मानते हैं तो या अप्लीकेशन बेस्ड तो चैलेंजिंग टाइप के क्वेश्चन माने जाते हैं बट जनरली वैन यू लुक अप द पेपर तो कौन सा क्वेश्चन यू एक एनसी पहले कंसेर्प्ट पे है मतलब एक कंसेप्ट है दो कंसेप्ट है मोर देन टू कंसेप्ट ये टोटल डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज लेवल कितना अच्छा है अगर आपका नॉलेज लेवल बहुत अच्छा है इवन द थर्ड टाइप का क्वेश्चन सी टाइप के क्वेश्चन है so वो भी आपको बहुत ही यू कैन सी आप सॉल्व कर सकते हैं तो दिस वॉज अबाउट द थ्री टाइप का क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है क्योंकि अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें खुद सेल्फ स्टडी करके खुद से ये चीज़ें प्रिपेयर करने हैं तो देर आर टेन थिंग्स इस पर अगर आप फोकस करोगे योर नीट प्रिपरेशन विल बी वेरी वेरी इजीली डन तो देर आर टेन डिफरेंट एस्पेक्ट्स जिसको आपको ज़्यादा फोकस करना है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट तो वन बाय देखते हैं पहला है हर टेक्निकल टर्म बायोलॉजी में उसका मीनिंग और डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए तो मीनिंग एंड डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क है तो आई विल एक्सप्लेन दैट पार्ट इन द दबसिक्वेंट यू कैन सी डिस्कशंस ओके क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको थोड़े से एडिशनल डिटेल्स कुछ ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा हाउ टू यू कैन सी गेस ए पर्टिकुलर नाउ दैट्स दूसरा है कंपेरिजन एंड डिस्टिंगिशिंग तो जितने भी डिस्टिंगशंस है या डिफ्रेंशिएशन है ओके जैसे आर्टरीज एंड वेन्स का डिफरेंशियस आर बी सी डब्ल्यू बी सी, सी का जितने ज्यादा पॉइंट्स आप कवर कर सकते हो या कंपाइल कर सकते हो उतना आपको करना है देन डायग्राम ईच एंड एवरी डायग्राम विथ ऑल प्रॉपर लेवल क्योंकि ऑलमोस्ट यून से सिक्सटी परसेंट क्वेश्चन जो है दे आर बेस्ड ऑन डायग्राम या तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या अगर आपको डायग्राम मालूम है तो यू कैन एक्चुअली राइट द एक्सप्रेशन ऑल्सो वेरी इजिली देन ऑल टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ग्राफ्स दैन ऑल एग्जाम्पल्स हर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल है तो उसका भी आपको एक कंपाइलेशन करना है देन टाइप्स एंड क्लासीफिकेशन मतलब टाइप्स मतलब जैसे आपका पॉलिनेशन उसमें कितने टाइप्स होते हैं टाइप्स के टाइप्स के टाइप जितना भी एक कैंसी आप एक फ्लो चार्ट जैसा बना सकते हो देन टेबल्स एंड फ्लो चार्ट ओके जितने भी है पूरे टेक्स्ट बुक में सी बी ए के टेक्स बुक में जितने भी टेबल्स एंड फ्लो चार्ट है उस पर क्वेश्चन आएंगे देन हर कंसेप्ट के जो मेन फीचर्स है या प्रॉपर्टी है या सिग्निफिकेंस है टाइप्स है इसके भी मेन हेडिंग्स आपको मालूम होने चाहिए एंड ऑल वैल्यूज एंड फिगर तो हर हर पेज पे आपको कोई ना कोई वैल्यू दिखेगा कोई ना कोई फिगर दिखेगा बिच विल रिलेटेड टू सबको जैसे आर बी जी का साइज यू कैन सी उसमें हिमुल गोविंद का नंबर कितना है ओके दिस आर सम ऑफ एग्जांपल एंड हाउ मेनी यू कैन सी किंगडम्स आर देयर तो ये सारे फिगर्स हर चैप्टर में आपको हर पेज में ज़रूर मिलेगा तो इसका भी एक आपको कंपाइलेशन करना है और सबसे इंपॉर्टेंट फिर पूरे टेक्स्ट बुक में जहाँ जहाँ पे आपको किसी बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट का नाम दिख रहा है तो साथ में उस बायोलॉजिस्ट का या साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन भी दिया है इस सब का आपको एक लिस्ट बनाना है तो आप ये अलग तरीके दो तरीके से कर सकते हो या तो चैप्टर वाइज ये सारी चीज़ें आपको करना है या दूसरा हर चैप्टर के, के एक ऐसी मीनिंग एक साथ लिख लीजिए उसके कंपैरिजन एक साथ लिख दीजिए और डायग्राम्स एक साथ तैयार कीजिए तो ये आपको खुद करना है बिकॉज यू विल नॉट गेट एनी कंटेंट एनी वेयर विच विल कंपाइल ऑल दिस थिंग या तो आप ख़ुद से करेंगे कि अगर आप खुद से तैयार करते हैं तो आपको खुद का एक स्पेशल एक लास्ट मिनट रिविजन जैसा एक कंटेंट बन जाएगा तो एडिशनल चीजें तो नेचुरली इन माई वीडियो इन आई विल प्रोवाइडिंग तो आप माईन आईडिंगट लेके भी उसको एक कंपाइल कर सकते हो ओके okay? तो जहां तक यू कैन सी पॉसिबल होगा आई विल बी प्रोवाइडिंग विद स्क्रीन शॉट्स ओके एंड द नोट्स ऑल्सो तो वो भी आपको हेल्प करेगा इन द प्रिपरेशन ऑफ नीट तो स्टूडेंट्स ये दस फीचर्स जो है या एस्पेक्ट जो है यही नीट का बेसिस है तो अगर हर चैप्टर वाइज आपने सारे दस के दस एस्पेक्ट्स को स्टडी कर लिया और खुद कैन सी इसका कंटेंट बढ़ा लिया तो आपका नीट सी वर्ड परफेक्टली तैयार हो जाएगा चलिए अब इसके लिए अभी अब देखना है कि प्रिपरेशन सी तैयारी कैसे करनी है तो देर आर थ्री गोल्डन रूल्स जब आप नीट की बात करते हैं इवन दिस रूल्स विल हेल्प यू न बोर्ड एग्जामिनेशन आल्सो तो रेगुलर आपको जो बोर्ड एग्जामिनेशन है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का उसमें भी आपको हेल्प करेगा जो इलेवेंथ में है उनके भी हेल्प करेगा कि सबसे पहले रीडिंग द कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके तो डिटेल में जब भी एक्सपेक्ट जो इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट हो गए हैं मैं सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में आपको जरूर बताऊंगा तो अभी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं तो किसी भी चैप्टर को जो आप पढ़ रहे हैं तो उसके हर एस्पेक्ट को हर सेंटेंस को आपको ठीक से पढ़ना है थॉरली पढ़ना है और जब आप किसी लेसन को पढ़ रहे हैं तो साथ में आपको दो चीज़ करना है पहला अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट थिंग्स तो उसको हाईलाइट कीजिए मार्क कीजिए जनरली पेंसिल से कीजिए ओके okay, या स्टार मार्क कीजिए विच यू फील वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि टेक्निकली एवरी सेंटेंस ऑफ द टेक्सट बुक कैन बी आस्ड एज एम सी क्यू और साथ में नैचुरी डाउट्स क्रिएट होगा अगर डाउट्स अगर आपका आता है उसको भी मार्क करना है क्वेश्चन मार्क से मार्क कीजिए जहाँ जहाँ भी चाहे वो सिलिक वर्ड भी है तभी तो नैचुरल उसका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए उस क्लैरिफिकेशन कीजिए तो जब तक आपके सारे डाउट मार्क नहीं होंगे तो वो क्लैरिफाई नहीं हो सकते तो ये आपको करना है तो करना है डाउट्स को सॉल्व करने के लिए वी आर देयर ए कैन सी माय चैनल इज देयर देर आई कैन सी रिसोर्स बुक्स आर देयर तो आप उसको रेफर कर सकते हैं ओके क्योंकि डाउट सॉल्व करना ही सबसे मेन टारगेट होता है कोई डाउट रहेगा तो अल्टीमेटली यू विल्ड बी एबल टू वेन्सी सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम वेरी इजली सो दीज आर द थ्री गोल्डन रूल्स विच विल हेल्प यू टू एक्स वार्ड एक्जल इन द नीट एग्जामिनेशन ऑल्सो तो ये सब चीज़ें जो अभी मैंने ये एस्पेक्ट बताया ये अगर आप एक रेगुलर कैन कंसी एग्जामिनेशन बता दी पोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी फॉलो करोगे तब भी नेचुरली यू विल बी एबल टू कैन सी वार्ड क्लियर योर कंसेप्ट मोर क्लियरली एंड यू विल कम विद द फ्लाइंग कलर्स ओके स्टूडेंट्स विद दिस आज का सेशन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो कैन जी फॉलो द चैनल शेयर कीजिए और साथ में रेडी हो जाइए बिकॉज आई विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर एट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इन माई नेक्स्ट सेशन ओके उसमें हम लोग पार्ट वन स्टार्ट करने वाले हैं जिसके टॉपिक्स को नैकली सेशन के शुरुआत में भी आपको बताऊँगा कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग इस सेशन में लेने वाले हैं और उसके थर्टी एम सी क्यूज़ हम लोग लेंगे तो सुपर थर्टी एस एम एस थर्टी सुपर एम सी क्यू सीरीज़ स्टार्ट हो गया स्टूडेंट्स तो चले स्टूडेंट्स तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तो एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे स्पेशली वेन हम लोग हम लोग हर एम सी क्यू को डिटेल में स्टडी कैसे करना है ये भी जब सेशन चालू होगा तो आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट इन मोर डिटेल ओके तो इन एवरी सेशन यू विल गेट सम यूनिक यू कैन सी वर एडोल्ट ओके विच विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर द नीट मोर कॉन्फिडेंटली ओके स्टूडेंट्स बाय फॉर टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन